नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। एक हफ्ते पहले तक खुद को मोदी का परिवार कहने वाले आरएलजेपी ने पीएम पर बोला हमला। कहा मैदान में फरियाले 400 पार का सपना पूरा नहीं होने देंगे। समस्तीपुर बिहार में सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने आज केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चिराग गुट को हाजीपुर व समस्तीपुर समेत 5 लोकसभा सीटें दी गई है। एनडीए गठबंधन के तहत समस्तीपुर लोकसभा सीट चिराग गुट के एलजेपीआर को जाते ही समस्तीपुर में आरएलजेपी कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखी गई है। आरएलजेपी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने हमारे साथ घोर अन्याय किया है। बीजेपी ने विश्वास में लेकर समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज को अभिमन्यु की तरह शिकार किया है। इस दौरान आरएलजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी उतार कर हटा दी है। कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जुबानी हमला करते हुए इसका परिणाम भुगतने की धमकी भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि जहां जहां से चिराग गुट के सदस्य मैदान में उतरेंगे, वहां वहां से पारस गुट उनको हराने का काम करेगा। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष ने कहा कि जिसको फरियाना है वह अखाड़ा में आकर फरियाले। नरेंद्र मोदी व अमित शाह ने आरएलजेपी को जितने हल्के में आकलन करने का काम किया है, उतना ही उनको पानी पिला देंगे। इस बार जो 400 पार का सपना है उसे कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये फैसला सुना दिया है जहां पारस गुट को कोई जगह नहीं दी गई, आगे क्या रणनीति होगी आप? आज समस्तीपुर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम साथियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण बैठक हुआ, जिस बैठक में हम लोग ने फैसला लिया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हम समस्तीपुर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विश्वास और श्रद्धा करते थे और अभी भी करते हैं, लेकिन हम समस्तीपुर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता को एक भीतर से दुख भी है कि हमारे नेता, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी लोगों को टिकट नहीं दिया गया, गठबंधन में नहीं देखा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं और आज जो फैसला हुआ हमारे पार्टी के लोगों को, उन्होंने फैसला लिया कि हम सभी लोग, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे मैं उनके साथ हूँ। उनको जो भी निर्णय लड़ना है, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, जिस गठबंधन से लड़ना है, हम सारे लोग तन मन धन के साथ उनके साथ हैं। ऐसे मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब से भी आग्रह करता हूं कि हम लोग एक विश्वासी पार्टनर थे, अभी भी उनके साथ रहना चाहते हैं। आगे उनका जो फैसला हो और हमारे नेता का जो फैसला हो, समस्तीपुर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ। हम लोग इनके फ्रेंड है, हम लोग इनके दीवाने हैं। ये जो करे हम लोगों के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी समस्तीपुर में, इनके ऊपर विश्वास करते हुए अभी तक निर्णय के इंतजार में है। ये जो करेंगे हम लोगों को मंजूर है। इन लोगों ने तो निर्णय ले लिया है कि आप लोगों की जो पार्टी है उन्हें जो है एक भी सीट नहीं दिया है। अभी हमारे पारस बाबू मंत्री जी ने इस्तीफा दिए हैं, उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ। क्या लगता है अब क्या आगे का दिशा निर्देश? अब जैसा इनका दिशा निर्देश होगा वैसा हम लोग करेंगे, जैसा आला कमान का दिशा निर्देश होगा वैसा हम लोग करेंगे। फिर से जो है यहाँ जो वर्तमान सांसद है उन्हें फिर जगह मिलेगा, क्या लगता है? वो तो चुनाव लड़ेंगे समस्तीपुर से, प्रिंस राज जी चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से? वो उनके ऊपर है, वो हमारे एनडीए से आवे या जिस दल से आवे, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे।
पार्टी। लाभ टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।